हिमाचल विधानसभा चोणां लई कांग्रेस ने अपना मैनीफेस्टो जारी कर दिता है। आम आदमी पार्टी की तर्ज से कांग्रेस ने भी हिमाचल की औरतों नूं 1500 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया है। इस तो इलावा 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने का भी ऐलान हुआ है। कांग्रेस ने हिमाचल के मुलाजमान नूं लुभाउण दे लई पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का भी वादा किया है। सरकार बनने से पहले ही कैबिनेट दे विच 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी ऐलान किया है। इस तो इलावा कांग्रेस वालों मैनीफेस्टो दे विच कई लुभावने वादे किए गए ने। कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए नहीं चाहती है, कांग्रेस पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहती है। इस व्यवस्था परिवर्तन में एक उदाहरण के तौर पर हमने ये प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है। हमारा मकसद समाज के हर वर्ग की सेवा करना है। ओल्ड पेंशन स्कीम 1,34,000 सरकारी कर्मचारी है, उनके लिए लागू होनी है, और पेंशन स्कीम महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लागू हो रही है। एक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम मिलक गारंटी योजना जो लाए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रत्येक परिवार जिसने गाय रखी होगी, भैंस रखी होगी, उससे उन पर मनरेगा की तर्ज पर हमने उनसे 10 किलो दूध खरीदने की गारंटी की बात कही है। और दूध का मूल्य 80 रुपये और 100 रुपये खरीदेंगे, बाजार में उसको हम 60-65 रुपये का ही बेचेंगे। उससे ग्रामीण परिवार में एक परिवार को 24,000 रुपये और 30,000 रुपये की आय होगी। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं दावा कह सकता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस के ने जो कर्तव्य पत्र लाया है, इसका अक्षरक्ष लागू किया जाए।